हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपके एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 2 के बारे में। अब देखो, आपको मेरी आवाज में एनर्जी देखने के लिए मिल रही है कि दरअसल वो सीजन 2 का ही कमाल है, क्योंकि देखो एलिस इन द बॉर्डरलैंड जो है उसका सीजन 1 जब मैंने देखा तब मैं लिटरली इसका फैन हो गया था। और उस वक्त तो यहां तक मैंने उसका हिंदी डब आया भी नहीं था तब देखा था। उसके बाद में दोबारा जब इसका हिंदी डब आया तो उसे मैंने दोबारा चेकआउट किया और मुझे बिल्कुल फ्रेश वाली फीलिंग आई थी। और उसका मैं वेट कर रहा था एलिस इन बॉर्डरलैंड का सीजन 2 का काफी टाइम से। और जब आज का दिन जब स्टार्ट हुआ ना, मैं बस यही सोचा था कि कब डेढ़ बजे कब मैं इसे चेकआउट करूं। और लिटरली मैंने उसे जो है खत्म कर लिया है। अब खत्म करने के बाद मैं सारी बात बताने वाला हूं कि कैसा रहा एक्सपीरियंस, क्या सीजन 2 सीजन 1 से बढ़िया था या नहीं, सारी बात इसमें जो है कंपैरिजन करने वाले हैं। अब देखो, जो इसमें जो कास्ट बची थी जहां पे हमारी अरीसू, उसागी, ये जो कैरेक्टर बचे थे लिटरली, जो मतलब मेन कैरेक्टर मान के चल सकते हो गिनती के 6-7 जने थे। अब इनके बचने के बाद में जो हमें कैरेक्टर देखने के लिए मिलते हैं न्यू, वो भी काफी बढ़िया देखने के लिए मिले। इसमें काफी सारे न्यू कैरेक्टर देखने के लिए मिलते हैं जो कि लाइकेबल थे, और बहुत से रैंडम कैरेक्टर जो मरने के लिए इसमें दिखाए गए थे वो भी आपको ठीक ठाक देखने के लिए मिल जाते हैं। तो कास्ट में उन्होंने कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। और जो हमारे कैरेक्टर है, इस बार हमें हर कैरेक्टर का फ्लैशबैक भी जो है काफी अच्छे तरीके से दिखाया गया है। जितने भी न्यू कैरेक्टर भी इसमें इंट्रोड्यूस करा गया है उनका भी फ्लैशबैक और उनकी स्टोरी हमें जो है सामने रखी गई है। और इसका एक प्लस पॉइंट यहाँ पे ये निकल कर आता है कि जो इसमें आपको अदर कैरेक्टर देखने के लिए मिलते हैं, चाहे वो एज अ अपोजिट टीम ही क्यों ना हो, एज अ एनिमी के रोल में क्यों ना दिखाए गए हो, उनसे भी आपको कनेक्शन हो जाता है। और इस बार सीरीज जो है इमोशनल बहुत ज्यादा खेलती है, इमोशनल कनेक्शन या इमोशनल आप कह सकते हो अटैक काफी ज्यादा करती है। आप लिटरली उन कैरेक्टर से भी कनेक्ट कर जाते हो जिनसे आपका कनेक्ट करने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा था, उनसे भी आप कनेक्ट कर जाते हो। सीरीज के अंदर के जो गेम देखने के लिए मिलते हो काफी ज्यादा बढ़िया देखने के लिए मिलते हैं। स्टार्टिंग का ही गेम जब हमें पता चलता है कि इस बार कोई बिल्डिंग में एरिना नहीं हो रहा है, कोई गेमिंग एरिना, कोई बिल्डिंग नहीं, पूरा शहर होने वाला है, तो पहला ही जो गेम था वो पूरा माइंड ब्लो था। मतलब जो गोलियां इधर से उधर बसी है ना, मैं लिटरली बस ये कह रहा था कि यार और कैसे कैसे गेम होंगे आगे। देखो गेम से मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बताऊं तो यहाँ पे थोड़ा सा इसका नेगेटिव पॉइंट निकल कर आता है। अब नेगेटिव पॉइंट ये है कि इस बार के जो गेम आपको देखने के लिए मिलते हैं वो आपको टाइम कंज्यूमिंग वाले देखने के लिए मिलते हैं। अब आप कहोगे ऐसे कैसे कि इसमें जो भी आपको गेम देखने के लिए मिलता है वो काफी अच्छा खासा टाइम लेता है, वो जल्दी खत्म नहीं हो, और इस तरीके से जो है कहानी जो है हमारी बहुत थोड़ा सा स्लो पेसिंग हो जाती है। लेकिन देखो, मैं भी जानना चाहता था कि कहानी को और आगे कहां लेके जाएंगे, दरअसल इस गेम के पीछे का मास्टर माइंड कौन है। तो उन सबको जानने के लिए जो है इस सीरीज को आप चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपने सीजन 1 देखा है तो क्या इसे देखना लगेगा या सही या नहीं, तो मैं कहूंगा कि हाँ बिल्कुल सही रहेगा। लेकिन जैसा कि आपको पता है सीजन 1 को आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते, तो आप इसे भी फैमिली के साथ नहीं देख सकते हो। हिंदी डबिंग काफी बढ़िया है, बाकी सारे जो इसके गेमिंग परफॉर्मेंस आपको देखने के लिए मिलते हैं काफी यूनिक देखने के लिए मिलते हैं। कहीं पर आप कुछ सिमिलैरिटी देख सकते हो या आप ऐसा कह सकते हो कि यार ये वाला खेल तो बच्चों वाला खेल है, आप इस तरीके से भी उसे रेफरेंस ले सकते हो। और मैं यहाँ पे स्पॉइल नहीं करना चाहता उस गेम को बता के। बाकी देखो, मैं इस सीरीज को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड रहा हूँ और मैं आपकी बार जो है इस सीरीज को पूरा कंटिन्यू करने वाला हूँ दोबारा से। सीजन 1 और सीजन 2 एक साथ देखूंगा और आप लोग बताना कि आप जो है सीजन 1 और सीजन 2 एक साथ देखोगे, कि आपने सीजन 2 चेकआउट कर लिया या नहीं, कि आपको पसंद आया या नहीं, और अगर नहीं पसंद आया तो क्यों नहीं आया, और पसंद आया तो क्या चीज उसकी खास पसंद आई कमेंट में जरूर बताना। और क्या आप जो है सीजन 3 चाहते हो उसका, कि सीजन 3 भी आपको देखने के लिए मिले या नहीं, जरूर कमेंट में बताना। और मित्रों, आपको रिव्यू सुनने आ गया होगा, रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे भी क्लिक कर लेना ताकि बाबू सोना चालू रहना, तुम्हारे भाई को नोटिफिकेशन आ जाए। बाय करते वीडियो को एंड, आप रखना अपना ख्याल। बाय बाय, टेक केयर।